बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। तो अब हम बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब 5G को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी जब आई है तो ये किस तरह से काम करती है। देखिए, 5G के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। अब उसमें सबसे पहले आपको दिखेगा कि मिलीमीटर वेव जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होती है। टेक्नोलॉजी जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है 30 GHz से लेकर 300 GHz तक होती है। और इसमें क्या होता है कि ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है ये डेटाबेस को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपने मुख्तलिफ किस्म के टावर्स देखे होंगे, उन टावर्स के ऊपर अगर 4G के वाले टावर्स देखे होंगे तो उसमें और 5G के टावर्स के अंदर जो है फ़र्क होगा। वो इसलिए कि इसके अंदर जो है इसमें एक अलग किस्म का एंटीना होगा जिसको हम मिलीमीटर वेव कहेंगे और वो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है। हाँ, लेकिन इसमें ये होता है कि इसकी रेंज बहुत कम होती है और ये तकरीबन समझ लें कि 2.5 मीटर तक जो है रेंज दे सकता है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए हम एक और मुख्तलिफ किस्म के जो है टावर्स लगाते हैं जिसे हम कहते हैं स्मॉल सेलुलर सेल। और इस तरह के टावर के अंदर क्या काम होता है कि वो जो है 2.5 मीटर के फासले के ऊपर बनाया जाता है ताकि यूज़र को जो है वो फ्रिक्वेंसी जो है स्ट्रॉन्ग मिलती रहे, डेटाबेस की सेंडिंग और रिसीविंग होती रहे। तो थोड़ा सा इसके अंदर ये है कि इसकी रेंज कम होती है लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत हार्ड होती है। और इसके बाद जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें मैसिव मीमो जो है कि मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट जो है वो एंटीनेस होते हैं जो इसके अंदर लगाए जाते हैं और ये 100 से भी अबव हो सकते हैं। और ये मुख्तलिफ किस्म के जो है आप जो है मोबाइल टावर्स के ऊपर चेक कर सकते हैं कि इस तरह के होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये मतलब ये जो है 10 से और 12 होते थे, मतलब अगर 4G के टावर को आप देखें तो इस तरह के एंटीने 10 से 12 होते थे, लेकिन 5G के अंदर इसको 100 या 100 से अबव जो है उसको इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि डेटा की फ्रिक्वेंसी जो है वो क्विकली जो है मिलती रहे यूज़र को सेंडिंग और रिसीविंग के दोनों दरमियान में। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी के अंदर बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है। और इसमें क्या होता है कि यूज़र तक जो है वो बीम की सूरत के अंदर डेटाबेस सेंडिंग और रिसीविंग करवाई जाती है ताकि उसको जो है वो ज़्यादा स्पीड के अंदर जो है डेटा सेंडिंग और रिसीविंग मिल सके। और इसमें इसके अलावा फिर आप मुख्तलिफ किस्म के एंटेनस के अंदर देखेंगे कि इसमें फुल डुप्लेक्स जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उन एंटेनस की। मतलब 4G के अंदर देखें तो कुछ एंटेने मतलब कुछ टावर ऐसे होते थे जो सिर्फ डेटा रिसीव करते थे और सेंडिंग करते थे और अपने फाइबर ऑप्टिक के थ्रू, लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि वही एंटीना जो है वो डेटा रिसीव भी कर सकता है और डेटा सेंड भी कर सकता है, मतलब ट्रांसमिशन भी कर सकता है और रिसीविंग भी कर सकता है। तो इस लिहाज से हम देखें तो ये कुछ 5G टेक्नोलॉजी के अंदर जो है कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं और इन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जो है हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंटरनेट की जो है सर्विस बहुत फास्ट हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप 1 GB की कोई वीडियो या कोई फिल्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 सेकंड के अंदर जो है आपके मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। तो अंदाज़ा करें कितनी स्पीड होगी। होता क्या है बैकग्राउंड के ऊपर कि जब हम कोई मैसेज अपने ब्राउज़र से सेंड करते हैं कि डाउनलोड करने के लिए कोई मूवी चाहिए आपको और वो है 1 GB की, तो क्या होता है कि वो आपका सारा का सारा मैसेज जो मेन सर्वर, अब मैं भी के वो USA में वो सर्वर है जहाँ पर वो मूवी पड़ी हुई है, तो 1 ms के अंदर वो आपका रिकॉर्ड मतलब आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पर पहुँचती है। और उसके बाद जो है वो पूरा डेटा जब वो बाय सेटेलाइट और फिर सब मेरीन जो समंदर के अंदर जो फाइबर ऑप्टिक फैली हुई है तमाम वायर्स उसके थ्रू होते हुए और आपके एक्सचेंज तक होते हुए फिर आपके टावर से होते हुए फिर आपके टावर से आपके मोबाइल के अंदर जो डेटा रिसीव होगा वो जो होगा वो समझ लीजिए कि वो आपके बीम टेक्नोलॉजी के ऊपर मुश्तमिल होगा जिसके थ्रू आपको जो है विद इन 5 to 10 सेकंड के अंदर जो है 1 GB की वीडियो आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप इसको और मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं कि 1G, 2G, 3G, 4G, 5G टेक्नोलॉजी क्या है और मोबाइल कम्युनिकेशन किस तरह से काम करता है, तो मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। ऊपर आई बटन के ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वो उस वीडियो को भी आप देख कर और मज़ीद इंफॉर्मेशन इसको ले सकते हैं कि हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह से चलता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है ये सारी चीज़ें बताई गई है। बहरहाल तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर फिर किसी और टॉपिक के ऊपर। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।